कोरिया के सिरवरी में विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल और उनके समर्थकों ने SECL प्रबंधन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। विधायक के समर्थकों ने GM ऑफिस के गेट में लगे पुलिस बैरिकेड्स को भी तोड़कर प्रदर्शन किया और दरअसल मामूली त्रुटि की वजह से 32 कोयला कामगारों को प्रबंधन ने बर्खास्त कर दिया है। विधायक और उनके समर्थक कामगारों को वापस रखने की मांग कर रहे हैं और इसके बाद SECL के GM ने विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल को बातचीत के लिए बुलाया और आश्वासन मिलने के बाद विधायक ने धरना समाप्त किया। जांच के आधार पे जो हमारे 32 श्रमिकों को बर्खास्त किया गया उसके लिए लगातार हमने 18 महीने से लगातार संघर्ष कर रहे थे। लगभग 550 मजदूरों के ऊपर फर्जी जांच की जा रही थी। विषय में हम लोगों ने अभी विधिक सलाह मांगी है। सलाह के आने में विलम्ब हो रहा था, उसमें ये अभी विधायक जी द्वारा अपना प्रोटेस्ट किया गया है।